आप देख रहे हैं श्री न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। बहुत बड़ा दिन है आज का तमाम उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि 18 तारीख को दूसरे चरण के मतदान में अपनी किस्मत को आजमाने जा रहे हैं। बड़े नाम इसमें हैं भाजपा के जितेंद्र सिंह, जो पिछली दफ़ा भी लोकसभा पहुंचे थे, चुनकर लोगों ने भेजा था। वहीं दूसरी ओर विक्रमादित्य, जो कि शाही परिवार से हैं और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन ने उनका नाम तय किया था और वो उधमपुर कठुआ लोकसभा सीट के लिए लड़ रहे हैं। वहीं पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह जो हैं, जो वो भी कंटेस्ट कर रहे हैं, साफ तौर पे चेयरमैन भी हैं पार्टी के और बड़ा दबदबा रखते हैं वो उधमपुर रामनगर सीट पे इलाके में। वहीं अगर बात करें हम चौधरी लाल सिंह की, तो आज वो एक मेगा रैली निकाल रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर साफ तौर पर दुनिया उनके साथ इकट्ठा होगी और कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं जो परसों मतदान करने जाएंगे, क्या उनका माइंडसेट चेंज होगा, सबसे बड़ा सवाल इस समय ये है। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 तारीख को रैली करके गए हैं और उस रैली में साफ तौर पे उन्होंने कई ऐसी बातें कहीं जिससे जो कठुआ के लोग थे वो इत्तेफाक रखते हैं, और उन्हें हमने जिस तरह से आपको खबर वहाँ से दिखाई थी ग्राउंड जीरो से, लोगों का ये कहना है कि चौधरी लाल सिंह जो सीटों से खड़े हुए हैं, चाहे वो जम्मू पुंछ लोकसभा सीट से बात करें या फिर उधमपुर कठुआ से, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक करियर पे दाव खेला है बहुत बड़ा। और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्हें बैठ जाना चाहिए था, क्योंकि साफ तौर पर भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और भाजपा से अलग होकर अगर वो लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो वोट जो है, वोट बैंक जो है, भाजपा का तोड़ने की साफ तौर पर नज़र तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों ने ये कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, क्योंकि यहाँ बात जो है देश की है, राज्य की बात वो तब सोचेंगे जब असेंबली चुनाव होंगे। लेकिन चौधरी लाल सिंह, जो कि डोगरा स्वाभिमान संगठन, जिन्होंने पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, बाद में पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उसे घोषित किया गया और खुद वो दोनों सीटों से लड़ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, साख की बात है, चुनौती है, क्योंकि अपना ही गढ़ है कठुआ और कठुआ में आज जब वो सड़कों पर उतरेंगे तो लोगों का कैसा रुझान रहेगा। कल जहां रैलियों में, पब्लिक मीटिंग्स में वो साफ तौर पे भाजपाइयों को कोसते हुए नज़र आए और कहा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया क्या है, जो भी बड़े प्रोजेक्ट से, चाहे वो बसोली का अटल सेतु ब्रिज हो, चाहे वो कीड़िया कंडयाल का ब्रिज हो, चाहे वो हाईवे का कहें कि ग्रीन कॉरिडोर की बात हो, ये भी उन्होंने प्रस्ताव रखा था, जम्बू जू और जितने भी उन्होंने काम कराए उन्होंने सबका जिक्र किया और ये कहा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो बात करते हैं MOSPMO ने बनाया गया मोदी सरकार में, लेकिन उन्होंने उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए किया क्या है, बहुत सवाल बड़ा उन्होंने सवाल कहा। और निशाना जो है विक्रमादित्य पे भी साधा कि उनके दादा के लिए, महाराजा हरि सिंह के लिए छुट्टी का जो एक मसला था वो चौधरी लाल सिंह ने उठाया, बड़ी रैली की, दुनिया इकट्ठा की, लेकिन शाही परिवार कहाँ था, कहाँ थे विक्रमादित्य, उस समय क्यों नहीं आए, क्यों नहीं बोले, करण सिंह क्यों नहीं बोले, हम लोग लोगों को लेके आए, लोगों की आवाज़ को, उनकी भावनाओं को साथ लेके आए और हमने सरकार से अपील की कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी घोषित की जाए, उन पे भी उन्होंने सवाल उठाया। लेकिन बात बहुत पते की है कि जो मुद्दे उन्होंने भुनाए हैं, जो काम उन्होंने किए हैं, साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं ये काम ना करता तो ये काम होते कहाँ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह दिखे ही नहीं, वो सिर्फ रविवार और शनिवार को आते थे टूर पे और कुछ इलाकों में हेलीकॉप्टर से जाकर लोगों से मिलकर आ जाते थे, लेकिन जो ज़मीनी जो मसले हैं, जो ज़मीनी स्तर है, और सबसे बड़ी चुनौती उन्होंने ये दी थी कि मैं 40 गाँव के नाम जानता हूँ, मैं टिप्स पे रखता हूँ, आप मुझे 40 गाँव के नाम बता दीजिए तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा। बहुत बड़ी बात, टारगेट उन्होंने हेल्थ पे भी किया था कि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी बेल्ट है उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो यहाँ पर एक जो लोकसभा सांसद है वो एक फिट नेता होना चाहिए। निशाना था कि जो हेल्थ को लेकर कई लोग मंत्रियाँ ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, लेकिन चौधरी लाल सिंह खुद को फिट कहते हैं, ये तमाम बातें उन्होंने जोड़ी थी। और डोगरा स्वाभिमान संगठन, जिसके बैनर तले बहुत दुनिया इकट्ठी हुई, खास तौर पे रसाना का जो मुद्दा था उसको लेकर भी बहुत बड़ा उन्होंने एजिटेशन चलाया, बहुत लंबी बात की, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ क्योंकि CBI जाँच नहीं करवा सके वो, और भाजपा ने भी इसको लेकर सिर्फ ये कहा कि ये सब जुडिशियल है, तो ये मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। लेकिन साफ तौर पर जो एक बड़ी रैली आज चौधरी लाल सिंह की है, वो आज यहाँ से, मैं भी उनके मुख्यालय के बाहर जम्मू में हूँ, और यहाँ से जब वो निकले हैं थोड़ी देर पहले, तो गैदरिंग उन्होंने ये बताया कि लाखों लोग आज कठुआ में इकट्ठा हो रहे हैं और कहीं ना कहीं भाजपा, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP के लिए एक मैं आपको उनको एक शो करके दिखाने वाला हूं कि कितनी दुनिया मेरे साथ है, कितने लोग मेरे साथ हैं, डोगरा स्वाभिमान संगठन जो है कितना बड़ा संगठन है, डोगरा की बात करने वाले कितने लोग उनके साथ हैं। साफ तौर पे ये जो महारैली में जो लोग होंगे, क्या वोट बैंक में परसों बदलेंगे, सबसे
सबसे बड़ा सवाल यह है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जितने भी लोग गए थे उन्होंने ये कहा था कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं ये सब मोदी को प्रधानमंत्री को वोट देने वाले हैं। उन्होंने लेकिन एक सवाल ये भी कहा था कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह शायद वो उनको ना उनका चेहरा ना देखें लेकिन उनको चेहरा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिख रहा है क्योंकि सेंटर और देश इस समय स्ट्रांग चाहिए। बाकी बातें बाद की। लोग जो हैं अपनी जो प्रतिक्रिया है वो जाहिर कर चुके हैं लेकिन नेताओं के साथ बड़ी रैलियों में लोग चलते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या ये लोग अपना मत जो है इन नेताओं को देंगे सबसे बड़ा सवाल ये है। और क्या चौधरी लाल सिंह जो एक बड़ा विकल्प माना जा रहा है जम्मू खिते के लिए, एक डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी जो है जो जम्मू की बात करती है, जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन की बात करती है, जम्मू के साथ भेदभाव की बात करती है और कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज़ हैं उनके साथ जो टकराव है जम्मू खिते का उसके खिलाफ वो बात करते हैं, तो क्या चौधरी लाल सिंह जिन पर यह कहा जाता है कि पहले वो कांग्रेस में थे फिर वो भाजपा में आए अब वो अपनी पार्टी बना रहे हैं तो उनका एक अपना ज़मीनी पकड़ नहीं है, तो क्या वो लोगों के मत का इस उपयोग कर पाएंगे ले पाएंगे जितना भारी रुझान वो कह रहे हैं और भाजपा से उनकी जीती हुई सीट जीत पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। 18 तारीख को मतदान होगा कठुआ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में और 23 तारीख को जो है नतीजे आएंगे। बहुत दिलचस्प रहेगा, कांटे की टक्कर है क्योंकि पहले लड़ाई भाजपा कांग्रेस की थी या फिर और जो लोकल पार्टियाँ थी उनकी थी लेकिन इस बार भाजपा से अलग हुए चौधरी लाल सिंह भी कूदे हुए हैं, हर्षदेव सिंह हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं और विक्रमादित्य हैं। और साफ तौर पर आज विक्रमादित्य के लिए भी प्रचार करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो कितना दिलचस्प रहेगा कठुआ का गढ़ ये हम आपको आगे श्री न्यूज़ पर दिखाएंगे। लेकिन कांटे की टक्कर बहुत मज़ेदार है, कंटेस्टेंट्स हैं, मुद्दों को देखकर वोट करेंगे और क्या मुद्दे वो भुनाएंगे ये सबसे दिलचस्प रहेगा। जम्मू से ख्वाहिश पटियाड़ की रिपोर्ट।